नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। और ये खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां पर संगीत विश्वविद्यालय के छात्र जो कि नाट्य एवं रंगमंच से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव जयपुर में प्रस्तुति के लिए रवाना हुए हैं। जी हां, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाटक एवं रंगमंच संकाय के छात्र छात्राएँ उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में जवाहर कला केंद्र जयपुर में नाटक मैं बोझ नहीं भविष्य हूँ, जो कि बुंदेली लोक नाट्य स्वांग शैली में है, का मंचन करने के लिए रवाना हो गए हैं। इस नाटक का लेखन और निर्देशन नाटक एवं रंगमंच संकाय के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने किया है। पूर्व में भी इस नाटक की बड़े बड़े राष्ट्रीय नाट्य समारोह में 10 से भी अधिक बार प्रस्तुति हो चुकी है। यह नाटक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ विषय पर आधारित है, जो हास्य व्यंग विनोद के माध्यम से बड़ी गंभीर बात कहता है। नाटक बुंदेलखंड की विलुप्त होती लोक नाट्य परंपरा स्वांग शैली में मंचित किया जाएगा। दिनांक 25 अगस्त से 29 अगस्त तक होने वाले राष्ट्रीय नाट्य समारोह का समापन इस नाटक से होगा। इस नाटक में लगभग 25 कलाकार भाग ले रहे हैं, जो नाट्य विभाग के ही विद्यार्थी हैं। यह छात्र छात्राएं नियमित 3 घंटे का अभ्यास डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के मार्गदर्शन में प्रतिदिन कर रहे थे। इस प्रस्तुति के हेतु विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री अजय शर्मा ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी है और कहा है कि इस तरह से बड़े बड़े समारोहों में नाट्य मंचन करने से विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ती है।